नगर पालिका निगम के बजट से पूर्व महापौर नीरज पाल द्वारा विपक्ष और सत्ता पक्ष के पार्षदों को गिफ्ट देने पर बवाल हो गया। नगर निगम भिलाई के बजट के पूर्व महापौर नीरज पाल द्वारा सभी पार्षदों को गिफ्ट देने से विपक्ष विरोध करना आरंभ कर दिया। शुक्रवार को हुई बजट बैठक के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और गिफ्ट देने को पैसों का दुरुपयोग बताया। सदन में बार बार चर्चा की मांग करते हुए विपक्ष के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया और पैसों के दुरुपयोग की बात कही। बैठक के अंत में नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने बताया कि महापौर द्वारा दिया गया गिफ्ट विपक्ष के पार्षदों को चुप रहने के लिए दिया गया था। आज नगर पालिक निगम के बजट की बैठक में आप सभी उपस्थित थे, आप सबने देखा। हमने महापौर जी को पूरा मौका दिया, महापौर जी बजट पढ़े, लेकिन महापौर जी का एक दिन पहले आकर के हम लोगों के घर में एक गिफ्ट छोड़ना और ये बताने कि महापौर जी का गिफ्ट है। महापौर जी विपक्ष के पार्षद हैं, सिलबट्टा में खा लेंगे लेकिन आपके द्वारा दी गई मिक्सी में नहीं खाएंगे, शहर का भ्रष्टाचार का पैसा नहीं खाएंगे, शहर में हो रहे डेंगू मलेरिया के बच्चे मर रहे हैं उसका पैसा, उसकी मिक्सी का पैसा नहीं खाएंगे। शहर की सरकार शहर में विकास बिल्कुल भी करना नहीं चाहती है और जो इस मामले को मुद्दे को जब हम लोग उजागर करने का प्रयास करते हैं तो इन लोग हम लोगों पर बहुमत का दबाव बना करके हम लोग साथ में इस टाइप का कृत्य करते हैं और सदन में बोलने का मौका नहीं देते हैं। वहीं बजट बैठक के अंत में इंडियन न्यूज ने महापौर नीरज पाल से गिफ्ट दिए जाने के संबंध में पूछा तो महापौर नीरज पाल ने बताया कि पिछले बार गिफ्ट दिया गया था तो यही विपक्ष के पार्षदों ने गिफ्ट न मिलने से नाराजगी जताई थी। एक बात विपक्ष के द्वारा आई गई कि उनको गिफ्ट दिया गया है बजट के पहले, क्यों दिया गया? ये इसमें सदन का कोई लेना देना नहीं है। मेरा एक शुरू से वो रहा है कि चाहे वो दिवाली हो, होली हो, रामनवमी हो, हम लोग एक दूसरे को उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, अपने से जुड़े हुए लोगों को देते हैं। कल भी रामनवमी थी तो हमने दिया। पिछले साल रामनवमी को मैंने अपने साथी पार्षदों को जब उपहार दिया था तो यही पार्षद विरोध कर रहे थे कि आप हमसे भेदभावपूर्ण स्वभाव रखते हो, आप हमें मतभेद करते हो कि आपको जो आपके पक्ष के लोग हैं, आपके सत्ता पक्ष के पार्षद हैं वो आपके, हम आपके नहीं हैं, लेकिन हम तो आपके सदन के सदस्य हैं। तो उसको ध्यान में रख के मैंने वो सोचा था, लेकिन ठीक है, जो सदन की बात है वो सदन में होनी चाहिए, जो सदन के बाहर की बात है वो सदन के बाहर होनी चाहिए। फिलहाल पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच बजट तो पास हो गया लेकिन महापौर द्वारा दिया गया गिफ्ट किसी को हजम नहीं हुआ। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।